हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे दोस्तों, आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। और जन्माष्टमी को आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह की टाइम है, टाइम अभी 7 हो रहे हैं। और लड्डू गोपाल जी के लिए हम फूल तोड़ के लाए हैं। इसमें बेलपत्र है, फूल है, कनेल का भी फूल है, और अड़ोल का फूल तो नहीं चढ़ाया जाता। जन्माष्टमी का ले आया मेरा बेटा फूल कमल का आसन सजाने के लिए। और देखिए कितना प्यारा प्यारा बहुत सारा था। देखिए ये झोला है ना, ये खेत में बहुत सारा होता है। सारा बच्चा निकाल के ले चला गया। और एक दो है अंदर में, तो उधर नहीं जाएगा बच्चा। अब बहुत सारा आ गया। देखिए अब हम लोग चलेंगे मार्केट। तो माँ भवानी सबका पूजा हो गया है, और इसको हम इसमें रख लेते हैं। इसमें लड्डू गोपाल जी को ढक के रखे हैं, और चलेंगे भी मार्केट। छोटा बहुत बढ़िया है। तो मेरा बेटा बनेंगे कृष्ण जी, उसका पोशाक लेने के लिए आए हैं महागामा मार्केट। और ये दुकान में सारा सामान मिल जाते हैं, पोशाक से कृष्ण जी का जितना कुछ ले सकते हैं सारा मिल जाएंगे। तो हम ले लिए हैं, साथ में हम मोर पंख भी ले रहे हैं। मोर पंख अगले साल लेके गए थे तो 40 रुपये हम लिए थे, अभी 100 रुपया बता रहे हैं, तो लेना तो पड़ेगा। क्योंकि जो हम खीरा को उगते हैं ना, इसी से उगते हैं, मोर पंख से ही उगते हैं। तो सारा सामान लेके आ गए फल की दुकान में।
फल की दुकान में भी उतना ही भीड़ है। पहले दुकान जो हम गए तो वहाँ हम खीरा 80 रुपये किलो खीरा है। खीरा को महत्व है ये पर्व में। अनंत चतुर्दशी हुआ, अष्टमी हुआ, इस समय जितिया जो हम लोग करते हैं अष्टमी जितिया, उस समय खीरा का महत्व है। डंटी वाला खीरा लगते हैं, डंटल वाला। तो हम आ गए खीरा लेके फल की दुकान। फल की दुकान में 5 किस्म का फल लेना है, मखाना लेना है। मखाना का ही हम लोग खीर बना के भोग लगाते हैं। फल ले लेंगे। फल लेने के बाद तो हम बोल रहे दो बाबू दुकान में बहुत सारा कस्टमर है, एक ही लड़का देने वाला है, इसलिए किसका सुनेंगे। तो बारी बारी को सामान दे रहे हैं। तो देखिए, दो हम चढ़ाते, दो और कोई चढ़ा देते हैं, और दो हमको नाप के देते तो और तीसरा चढ़ा देते। इसी तरह कर करके देखिए, हम मांग रहे थे दूसरा दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, ले लेंगे। 10-20 मिनट लेट लगेगा, फिर ले ही लेंगे। लेने के बाद फिर हम लेंगे मखाना। बताएं, देखिए मौली धागा लेंगे। मौली धागा मेरा पहली का था, ख़त्म हो गया, तो हमें लेना बहुत ज़रूरी है। कलावा जो कहते हैं, मौली धागा, कलावा जो भी कहते हैं, सारा सामान लेके हम मिठाई नहीं लें। मिठाई मोहनपुर मेरा घर के बगल से ही दुकान है, वहीं से मिठाई मंगा लेंगे। तो हम बैठ गए टोटो पर, और बारिश पूरा लगाया। फिर अगर यदि बारिश देने लगेंगे तो हम घर नहीं पहुँच पाएंगे। टोटो से देखिए हम उतर गए, पैसा दे के आ गए घर। देखिए मेरी बेटी सब सजा के रखी है, कितना सुंदर सजा के रखी है देखिए दोस्तों। और आसन भी लगा के रखे हैं। और सिर्फ शाम को क्या करेंगे, सबको नहला के जैसे होगा बता ही देंगे। देखिए मेरा बेटा और मेरी बेटी राधा कृष्ण जी बन गए हैं, कितना प्यारी लग रहे हैं देखने में दोस्तों। और अभी बनेंगे मेरा जेठानी का बेटा, जो मेरी बेटी और बेटा बना था, तो वो लोग ड्रेस चेंज कर लिए। मेरा बेटा हाफी मार रहे हैं। अब मेरा जेठानी का बेटा बनेंगे कृष्ण, उनको हम पोशाक पहना रहे हैं। अब इनका पारी आ गया है कृष्ण जी बनने का। जसोदा मैया तो इसकी बहन बनेगी बड़ी वाली। और देखिए अब क्या क्या ये लोग करेंगे भाई, हमें तो सजाना है, पहनाना है, पहना दे रहे हैं। ये सब खुशी है बच्चा सबका। तो लो भाई, तुम भी पहनो, तुम भी को प्रोग्राम करो। तभी हो गया शाम का टाइम, जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त होता है। तो देखिए अभी मेरी बेटी शास्त्री बना ली है, और अभी पंचामृत से नहलाएंगे और फिर पूजा करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को थाली में बिठा दिए, पंचामृत बना के रखे थे। और देखिए त्यौहार में तुलसी पत्ता पहले 2 दिन पहले तोड़ के नहीं खाए। जैसे होता है कि शनिवार रविवार नहीं खाए पड़ते हैं ना, तो नहीं तोड़िए, उससे पहले दिन तारीख देख के आप तुलसी पत्ता तोड़ के रख सकते। तो मेरी बेटी पहले तुलसी पत्ता तोड़ के रख ली थी। और देखिए अभी नहला के सारा पोशाक पहनाए, आसन भी लग गया है, आसन तो पहले लग चुका है। और देखिए कितना सुंदर लड्डू गोपाल जी आसन पर बैठ गए, कितना प्यारा दिख रहे हैं। और किसी का नज़र ना लगे, भगवान को तो ऐसे भी नज़र नहीं लगते हैं। और देखिए सारा इसका भोग भी लग गए हैं, ऐसे तो 56 भोग लगते हैं। जो मेरे पास था वो लगा दिए हैं, और आप सबके पास जब अगर यदि 56 भोग हो सकता है तो लगा भी सकते हैं। हम लगाएंगे 56 भोग इसका छठी दिन। लड्डू गोपाल जी का जो 6 दिन में छठी मनाएंगे, उसी दिन 56 भोग लगाने का प्रयास करेंगे। तो अभी 12:07 हो रहा है। जो खीरा में हम चांदे का सिक्का डाल दिए थे, वो दोनों को स्नान करवा रहा है। अगर यदि आपके पास पंचामृत है उससे स्नान करवा सकते, नहीं तो गंगा जल से भी स्नान करवा सकते। तभी हम गंगा जल से स्नान करवा के उसको आसन पर बैठा दिए। आसन पर बैठाने के बाद करेंगे आरती। का प्लेट हो गया रेडी, जला रही है ज्योति, और रात का टाइम है। टाइम 12:17 हो रहा है। 12:17 में आरती शुरू करने वाले हम लोग। और बाबू लोग तो सो गए, नहीं तो अभी सबको जगे हुए रहते तो कोई घंटी बजाते, कोई शंख बजाते, बहुत अच्छा लगता है आरती करने में। और नवरात्रि में सबको मिलके आरती करते बहुत अच्छा लगता है, बहुत शोर होता है, बहुत मतलब कि अच्छा लगता है। और आरती में 10-5 आदमी रहते तो और अच्छा ही लगता है। तो अभी आरती कर रही है, श्री कुंज बिहारी जी का आरती हो गया है। तो मेरी बेटी जितना सारा भोग लगाए थे सभी को भी बारी बारी को भोग लगाएंगे। और देखिए इसी तरह लगाइए भोग। और अपने अगर जो दी अभी फलाली कीजिए, कोई कोई आदमी फलाली नहीं करते, नहीं फलाली करना चाहिए इसमें। 12 बजे के बाद हम लोग भी तो बचपन से जन्माष्टमी मनाते हुए आ रहे हैं। आरती करके बैठी भोग लगाने के लिए, पहले मिठाई से शुरू कर रही है, और इसी तरह सारा भगवान को भोग लगा के फिर जल अर्पण करेंगे।
ठाकुर जी ने प्रसाद ग्रहण किया, जल ग्रहण किया, फिर मस्ती से बैठ के झूले पर झूला और उसकी बहन ने झूलाई, और फिर मोर की पंख निकाल के उसकी बहन ने हुकी बढ़िया से। हुकने के बाद फिर बोलते हैं श्री कृष्ण राधे राधे, गुड नाइट कृष्ण जी।